नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम आए हैं देहरादून में सक्सेना नर्सरी पर, और यहाँ पर मैं कुछ प्लांट नए वाले देखने आया हूँ, कुछ नया कलेक्शन मिल जाए, क्योंकि गार्डनर तो हमेशा खोजते ही रहते हैं कुछ अच्छा नया कुछ मिले अपने गार्डन में ऐड करने के लिए। तो मैं आज आया हूँ, देख रहा हूँ कि कुछ अच्छे अच्छे प्लांट मुझे दिख रहे हैं इनके पास। एक ये गोल्डन वाला फिलोडेंड्रम है, ये गोल्डन और काफ़ी सुंदर दिख रहा है। इसका प्राइस क्या है? 150 रुपीज़ प्राइस है इसका, और मैच्योर प्लांट हैं। और बाकी और भी यहाँ पर काफ़ी प्लांट हैं, और दिखाता हूँ मैं। एक नया प्लांट मैंने देखा है अभी, और एक प्लांट मैंने देखा है अभी, रेड कलर का है ये, और इंडोर प्लांट है ये। देखिए काफ़ी यूनिक लग रहा है ये, और इसकी जो पत्तियाँ हैं लीव्स वो बिल्कुल रेड है, डार्क रेड, और धूप में थोड़ी सी चमक भी रही है। ये देखिए रेक्स बिगोनिया इसका नाम है, और 60 रुपीज़ का इसका प्राइस है। ये मैंने भी लिया है एक अपने लिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, सुंदर लग रहा है। और इधर कुछ ये एक और प्लांट है ये देखिए, और एक इधर प्लांट मैंने देखा है, ये स्नो बस इसका नाम है, और काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये देखिए। और ये बड़ा है तो इसका प्राइस जो है वो मैंने पता किया है 300 रुपीज़ है, और इसका एक छोटा भी आता है वो 100 रुपीज़ में, 150 में है इसका छोटा जो है। और ये इधर कुछ फाइकस की वैरायटी है बोनजाई में, तो इनमें छोटे से लेकर बड़े तक इनके पास है। एक छोटा भी है, छोटे के बाद फिर थोड़ा बड़ा है, तो अलग अलग प्राइस है इनके, 500 से लेके और 2,500 तक इनके प्राइस है। और इसी के साथ में कुछ कलम लगाई हुई है, शायद ये भी फाइकस की वैरायटी है, रेगुलर फाइकस। इसकी कुछ कलम है, कलम से ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये सेल आउट होंगे। और इधर गोल्डन साइप्रस की एक वैरायटी है गोल्डन वाला, ये 200 का है, और इसी का ही एक छोटा है, और ये देखिए ये 120 का है। तो दोनों ऑप्शन है, छोटा भी है बड़ा भी है, जिस तरह का आप चाहते हो, छोटा चाहते हो छोटा ही मिल जाएगा। और एक इधर लैला मजनू है जो वेरीगेटेड में आता है ये देखिए, और इसके पौधे भी छोटे छोटे ही रहते हैं। ये एक लैला मजनू दूसरा आता है जो रेगुलर वाला होता है, उसके थोड़े बड़े प्लांट होते हैं। ये हैंगिंग के लिए भी एक ऑप्शन है, तो और इसका 100 रुपीज़ प्राइस है। और कुछ ऊपर एक बास्केट्स में भी कुछ, ये देखिए कुछ प्लांट हैं यहाँ पर, अलग अलग इनके प्राइस हैं, 200-300 अलग अलग हैं, तो ये भी बाई कर सकते हैं आप। इधर एक और प्लांट है, ये स्टार लाइट है, ये भी इंडोर प्लांट ही है, और मात्र 60 रुपीज़ इसका प्राइस है। इधर कुछ लक्की बैम्बू जो होता है उसी की कुछ वैरायटी के प्लांट्स हैं, और ये गोल्डन अरेलिया की पौधे हैं इधर, ये भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और क्या 100 रुपीज़ इनका प्राइस है, और साथ में क्रोटोन की जो बाहर से आती है वैरायटी वो है ये, और काफ़ी अच्छे मैच्योर प्लांट हैं, ये भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और इधर एलमंडा के प्लांट हैं, ये 12 महीने इस पर फूल आएंगे, और ये जो वैरायटी है वो ड्वार्फ वाली है, मतलब इसका जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बट फ्लावरिंग इस पर अच्छी आती रहेगी। और फूल देखिए आप इसका कितना सुंदर दिख रहा है ये देखिए, और 180 प्राइस में आपको ये यहाँ से बाई कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छे बड़े बड़े प्लांट हैं ये। और एक अलग ही कुछ ये मैंने देखा है अभी पौधा, ये देखिए ये फ्लावर इसका मैंडविला है, और प्लांट का जो नाम है वो मैंडविला है, और ये क्रीपर में आता है, मतलब इसकी बेल चलती है, और आप अपने ग्रिल्स पर भी इसको चढ़ा सकते हैं, और 150 रुपीज़ इसका प्राइस है, तो आप यहाँ से ये बाई कर सकते हैं। और इधर कुछ सिंगोनियम की वैरायटीज़ हैं अलग अलग कलर्स में, ये हैं 3-4 कलर में देख रहा हूँ इनके, गोल्डन में है इधर, फिर कुछ पिंक में है, पिंक और हल्का पिंक है ये, और कुछ इधर रेगुलर वाला जो एक आता है वो है, तो कई तरह की वैरायटी सिग्नोनियम की भी हैं, और इनके प्राइस 120 रुपीज़ के आसपास हैं, तो ये भी आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। और एक ही वैरायटी मैं देख रहा हूँ, बर्ड ऑफ पैराडाइज है, ये इंडोर वैरायटी का है, इसमें एक आउटडोर भी आता है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है प्लांट, तो ये इंडोर है केवल, और इसका जो प्राइस है वो 350 रुपीज़ है, और इसी के साथ में कुछ
काफ़ी अच्छे प्लांट पीस लिली के भी हैं साथ में ही, ये भी आप बाई कर सकते हैं। छोटा 120 में है और बड़े का काफ़ी थोड़ा अच्छा प्राइस होगा, 350 के आसपास। और एक इधर फिलोडेंड्रोन की एक बड़े वाली वैरायटी है जो मोस स्टिक के सारे आप चला सकते हैं, और इसका बड़ा प्लांट होता है और देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और इसका प्राइस मात्र 250 रुपीज़ है। और इधर शायद मुझे कुछ बेल जो देख रहा हूँ, ये पैशन फ्लावर की ये बेल हैं, पर्पल और रेड दोनों कलर में यहाँ पर अवेलेबल हैं। और प्राइस की अगर बात करें इनकी, 250 रुपीज़ इनका प्राइस है, तो ये भी आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। और इधर एक और मैं देख रहा हूँ प्लांट, इसके फ्लावर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ये देखिए कलर इनका काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल डार्क रेड कलर है। इसमें दो तीन ऑप्शन है हमारे पास अगर कलर की बात करें, ये देखिए कुछ येलो में भी आपको मिल जाएगा और साथ में कुछ पिंक में भी आपको मिल जाएगा। तो ये तीनों जो वैरायटी है मुसंडा की, इनके प्राइस 120 से लेकर और 300 के आसपास तक ही पहुँच जाते हैं। छोटे बड़े का रहता है कि छोटा आपको 120 में मिल जाएगा। और इसका फ्लावर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बंच में इस पर फ्लावर आते हैं और ये काफ़ी यूनिक भी दिख रहा है, तो ये भी आप बाई कर सकते हैं यहाँ से। एक मैं अभी आपको प्लांट दिखा रहा था बर्ड ऑफ पैराडाइज जो इंडोर था, और एक प्लांट और ये जो आप देख रहे हैं ये आउटडोर है, ये भी बर्ड ऑफ पैराडाइज ही है और ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसको आप आउटडोर ग्रो कर सकते हैं। और 200 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा यहाँ से, ये आप बाई कर सकते हैं। और इधर मैं अभी देख रहा था ये पान, आप देख सकते हैं पान की ये काफ़ी तरह के इनके पास प्लांट हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। और ये आप मोस स्टिक जो होती है उस पर आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और मात्र 60 रुपीज़ इनका प्राइस है, 60 रुपीज़ में आप इनको बाई कर सकते हैं यहाँ से। फिर आयुर्वेदिक तरीके से इसके काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं, तो इसको आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। और एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे लिए भी नया है और मेरे जो व्यूवर हैं शायद सभी ने नहीं देखा होगा, ये लक्ष्मी कमल है। कमल तो आपने देखा होगा और वैसे देखते रहते हैं हम, फोटो में भी देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, लेकिन मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये लक्ष्मी कमल, इसकी पूजा भी होती है और इस तरह से ये ग्रो किया जाता है, पानी में ही होता है ये। और ये भी आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 3500 इसका प्राइस है भैया बोल रहे हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर आके ट्राई करेंगे तो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करने के बाद आपको मिल सकता है ये। लेकिन ये है बहुत यूनिक, जो काफ़ी ज़्यादा प्लांट लवर हैं वो चाहते हैं कि कुछ यूनिक से प्लांट उनके गार्डन में आए, तो ये आप ले सकते हैं यहाँ से, बाई कर सकते हैं। और इधर आ गए हम, ये सारे सेकुलेंट्स की वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ अब। ये देखिए इधर क्रेसुला वाटा अभी देख रहे हैं, और काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हैं इनके पास, मैच्योर प्लांट हैं, और मात्र 80 रुपीज़ में आपको ये यहाँ से मिल जाएंगे, केवल 80 रुपीज़ में आप इनको बाई कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए इधर कुछ और वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेकुलेंट्स की हैं सारी वैरायटी, ये भी आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, अलग अलग प्राइस में आपको मिल जाएगा। ये स्ट्रिंग ऑफ बनानाज हैं, ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा लगता है जब आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में उगाएंगे, बड़ा प्यारा दिखता है ये भी आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, और मात्र 60 रुपीज़ में आप इनको यहाँ से बाई करके आप पॉट्स में लगा लीजिए और काफ़ी सुंदर दिखेंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में ऐसी किसी गार्डनिंग टूर पर। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।